फीफा विश्व कप 2018 के दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है और रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां उसका सामना फ्रांस से होगा। इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच खेला गया दूसरा सेमीफाइनल काफी रोमांचक रहा। इंग्लैंड को इस अहम मैच में जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो उसे मिली। 5वें मिनट में ही किरान ट्रिपियर ने गोल कर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई। इंग्लैंड को फ्री किक मिली जिसे ट्रिपियर ने गोल के बाएं कोने में डालकर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। लेकिन इंग्लैंड को इस मैच में अपनी गलतियों पर काफी पछतावा हो रहा होगा। 5वें मिनट में ही 1-0 से आगे होने के बाद उसके पास 3 से 4 गोल करने के बेहद आसान और साफ मौके आए, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान और इस विश्व कप में अभी तक सबसे ज्यादा 6 गोल करने वाले हैरी केन, जेसे लिंगार्ड और रहीम स्टर्लिंग अहम मैच में आसान से मौकों को भी नहीं भुना पाए। अगर ये खिलाड़ी अपने पास आए मौकों पर गोल कर देते तो इंग्लैंड तय समय में क्रोएशिया को मात दे देता। वहीं क्रोएशिया पहले हाफ में 1 गोल से पीछे थी, लेकिन दूसरे हाफ में उसने मैच का पासा पलट दिया और बराबरी का गोल किया। तय समय में मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ और अतिरिक्त समय में चला गया, जहां 109वें मिनट में क्रोएशियाई खिलाड़ी मानजुकिक ने गोल कर अपनी टीम के लिए इतिहास रचा। मानजुकिक ने ये गोल इवान पेरिसिक के एक शानदार पास पर किया। पेरिसिक ने बॉक्स के अंदर मानजुकिक को गेंद दी, जिन्होंने बेहद आसानी से उसे गोल के निचले कोने में डाल अपनी टीम को निर्णायक 2-1 की बढ़त दिलाई, जो विजयी साबित हुई। आपको बता दें कि क्रोएशिया पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है, जहां उसका सामना रविवार को 1998 की विजेता टीम फ्रांस से होगा। वहीं इंग्लैंड तीसरे स्थान के लिए शनिवार को बेल्जियम से भिड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।